तो इन दोनों का अभी भारत मिलाव चल रहा है, तो ये रहा स्वागत, बहुत जल्दी आया है और ये तो उससे भी जल्दी आ गया। विजिबिलिटी जीरो। अब लोग देखो तो ये रहा पीकॉक। वाओ सही लग रहा है। सही लग रहा है यार। और बाकी सब मेंबर्स ये अंदर आ गए। ये पूरा जो पहाड़ है चौक का है। ये रहा और एक गुफा। ये बहुत एक पूरा अंदर तक गया है, पता नहीं आगे क्या है। Hey guys, welcome back to my channel, Race Motovlog. I hope you're absolutely fine. तो आज हम जा रहे हैं एक अच्छी जगह पे राइड करने के लिए, तो कहाँ जाएंगे आपको आगे जाके पता चल जाएगा। डायरेक्ट अभी चलते हैं टूवर्ड्स सीबी, उसके बाद आपसे मिलेंगे। अभी थोड़ा जाके पेट्रोल थोड़ा फिल अप कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जाके आपसे सीबी से बात करते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने पेट्रोल डाल दिया है, तो मेरे साथ अभी जा रहा है रुद्र, तो हम दोनों अभी सीबी की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट जाके हम सीबी से बात करते हैं। सीबी से आके जो राइड का कहाँ पर प्लान बनेगा तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं और डायरेक्ट जाके मिलते हैं सीबी पे, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं सीबी पे, तो पीछे हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स, और पीछे है हमारा बाइक्स, ये रहा हिमालयन, और उसके बाद डोमिनर, उसके बाद ड्यूकॉन 25, उसके बाद RS 200, उसके बाद मेरा NS, और पीछे उधर है रुद्र, और वहाँ पे साईराम, और यहाँ पे है प्रत्यूष, और यहाँ पे है शाश्वत। तो अभी हम सब राइड करेंगे, स्वागत को थोड़ा वेट कर रहे हैं, स्वागत को आने देते हैं, उसके बाद जो आगे का जो राइड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ टाइम वेट करते हैं, देखते हैं स्वागत कितने बजे आता है। जब यहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्ट वहीं से ही वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है चलो। राइड है वो शेड्यूल हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं चौक पॉइंट्स। तो सब लोग जा रहे हैं, मैं, स्वागत, पीछे से शाश्वत और प्रत्यूष, दीपक और साईराम और रुद्र। तो चलो सब लोग अभी चलते हैं चौक पॉइंट्स की तरफ। हम अभी नंदनकानन के साइड रोड है, उस साइड से होते होते जाएंगे टूवर्ड्स चौक पॉइंट्स, बांकी रोड, सॉरी टूवर्ड्स बांकी रोड। तो वहाँ पे ही आपको चौक पॉइंट्स के लिए रास्ता जो है वो हम वहीं से ही लेंगे। हम अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इतना आइडिया नहीं कि वहाँ पे क्या देखने के लिए है क्या नहीं है। बस ये बस एक कन्फर्मेशन है कि वहाँ पे पीकॉक बहुत सारे हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट चौक पॉइंट्स की तरफ, आप लोग एंजॉय करो। आँख में कुछ गिर गया, शाश्वत आगे निकल गया। ओ ऑफ रोडिंग, यहाँ पे पीकॉक बहुत सारे हैं, अभी आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। एक ऑफ रोडर का मजा एक ऑफ रोडिंग करने के बाइक में ही होना चाहिए। तो अब हम चला रहे हैं हिमालयन। चलो यहाँ पे हमने एक लोकल को हायर किया है, तो वो हमें आगे का जो रास्ता है वो दिखाएंगे।
बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है ऑफ रोडिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छी जगह है। पहाड़ के ऊपर से भी जा रहे हैं हम, पीकॉक। वाओ सही लग रहा है, क्या रोड है भाई। हो सही रोड है, सही रोड है, सही रोड है, सही रोड है, इसे बोलते हैं ऑफरोडिंग। इसे ऐसे प्रॉपर एक्सपीरियंस करना। मैं तो पूरा ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, उसको थोड़ा इश्यू हो रहा है, लेकिन उसका बाइक तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये रहा जगह, ओह बहुत ही खूबसूरत है। पीछे बाकी सब लोग आ रहे हैं, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं आगे जाके, देखते हैं कि आगे क्या है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये है चौक, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अंदर बढ़िया बढ़िया चौक मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं चौक माइंस। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। ये है गुफा, ये है साइरम, ये है गुफा, और बाकी के सब मेंबर्स अभी अंदर आ रहे हैं। ये सब है चौक, ये सब चौक्स है, इससे ही जो चौक का आप जो यूज करते हैं वो इसमें ही, इससे ही बनाते हैं। ये पूरा जो पहाड़ है चौक का है, देखो ये भाई, ये और एक गुफा है। ये नेचुरली ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये पूरा प्योर पानी है, जैसे देख सकते हो पूरा प्योर पानी है। तो यहाँ पे कबूतर रहते हैं, सारे कबूतर यहीं पे रहते हैं, ऊपर जो ऐसे होल है। प्योर पानी, प्योर पानी, हाँ प्योर पानी बोल सकते हो, पूरा प्योर पानी है। लोग यहाँ से पीते भी है पानी, और तो पीना है तो पी सकता है सी बोते। तो यहाँ पे शाश्वत सेल्फी ले रहा है, हाँ ये मैं हूँ, ये गुफा है, और यहाँ हमारी पार्टी चल रही है। अभी स्वागत लिख रहा है, पूरा इतिहास बना रहा है इधर। 1500 साल, नहीं नहीं 1500 साल बाद जब लोग हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जिक्र होगा, हम लोग यहाँ पे नाम लिखे थे। आर यू कॉमेडी मी। तो ये रहा बड़ा बड़ा पत्थर चौक्स का, इसमें फ्लैश लाइट डाल के देखेंगे अंदर क्या है। चलो देखते हैं, आओ ऊपर। इधर अंदर देखो क्या है, ये बहुत एक पूरा अंदर तक गया है, पता नहीं आगे क्या है। आप होगा भाई, चलते हैं चलो। सब कांटेदार पेड़ है, थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा संभल के चलो, क्योंकि बहुत कांटेदार पेड़ है। क्या व्यू है, एफर्ट्स डबल है, देख लो। कार में आने का सोचना बस, कोई जी नहीं है, बॉक्स लगा देना, सामान उसमें डाल देना, फिर आराम से। चलो उस साइड जाके देखते हैं एक बार, देखो व्यू टोटल, बहुत ही खूबसूरत जगह, जाके आके एक बार घूमो, एक बार तो आके जरूर घूमो। ये कांटेदार पेड़ है, थोड़ा संभल के चलो। यहाँ पे हिरन भी है, हाथी भी है, मोर है, सब कुछ है। ये हमें गाइड कर रहे हैं, टोटल व्यू उधर से मैं आया। ये टोटल एक जंगल का व्यू है नीचे, वो पूरा जंगल है नीचे का, वहाँ पे हाथी वाथी निकलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे, ये था टोटल एक जंगल का व्यू। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ स्वागत जो सब है उस साइड है, तो मैं उनके साइड में जा रहा हूँ अभी। टोटल व्यू देखो, टोटल व्यू। चलते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि अभी यहाँ तो सब आप देख लिए, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिए। अभी जाएंगे आगे, एक डैम है उस साइड जाएंगे, उस साइड जाके आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे भी घूमने के लिए भी बहुत सीनिक व्यू है। तो
थोड़ा देख के आना। जैसे बोला आपको, यहाँ पे स्नेक का इंसिडेंट बहुत होता है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सांप है। तो एक जैसे बकरी को भी एक सांप निगलने ही वाला था, ये लोग आके बकरी को छुपाए। 10 to 11 feet के अराउंड सांप का साइज होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। स्वागत जो लोग है, स्वागत दीपक भाई और प्रत्युष, वो सब उस साइड है। तो मैं अभी उस साइड चल रहा हूँ, लेकिन उस साइड जाके आपसे बात करता हूँ। ठीक है, पूरा जंगल का रास्ता है, पूरा जंगल का रास्ता। तो अभी लोग, हम लोग सब यहाँ से निकल रहे हैं। सासों का थोड़ा इश्यू हो गया, सासों का इंजन जो लीक कर रहा है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी घर निकलना पड़ेगा, ताकि गाड़ी को देना पड़ेगा सर्विस पे। पर घूमो, पर कार लेके मत आना। पर कार लेके आ रहे हो तो आपको दूर से रख के आना पड़ेगा, तो चल के तकरीबन 1-2 किलोमीटर आना पड़ेगा। पूरा जंगल, ए हे, भाग रहा है, भाग रहा है पिकॉक। ओ रहा पिकॉक भाग रहा है। शायद से आपको कैमरे में दिख रहा होगा। ये रहा पिकॉक, पिकॉक। तो चौकमैन से कुछ जस्ट निकलने के बाद हम आगे अभी यहाँ पे थोड़ा चिल मारेंगे। तो ये है नदी, यहीं पे टोटल एक व्यू है रिवर का, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप, यहाँ पे एक मंदिर है, ऊपर बंदरों का फाइट चल रहा है। ऊपर देखो, पूरा बंदरों का फाइट चल रहा है। तो हमने जो ब्रेकफास्ट किया यहीं पे किया, मंडलेश्वरी टिफिन सेंटर। तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत लिबरल प्राइस का, बहुत चीप प्राइस है बोल सकते हो ऐसा। हमने बहुत कुछ खाया, मैं छेना पोड़ खाया और रसमलाई खाया और बड़ा समोसा और ऐसे सब कुछ मिला के खाया। टोटल कितना हुआ, बस 70 रुपये हुआ। तो बहुत ही चीप है, बहुत ही अच्छा खाना है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमारा जो खाने का काम था खत्म हो गया, अभी सब लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। अभी ब्लॉग को हम यहीं पे ही एंड कर देंगे। तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। आई होप कि आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलो, और क्या, जैसे हमारा पुराना स्टाइल आउट्रो। तो अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बाप रे। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, नीचे ही जा रहे हैं। सॉरी, नीचे जा रहे हैं। चलो, ये और एक गुफा है जो डर लग रहा है जाने में फिलहाल। इधर अंदर देखो क्या है, ये बहुत एक पूरा अंदर तक गया है, पता नहीं आगे क्या है। हाँ, पापा का भाई, चलते हैं चलो।